गुस्सा ऐसा खबरें। गोंदिया जिले में 3 चिलर शराब दुकानों की अनुज्ञप्ति आचार संहिता समाप्त होते तक निलंबित। गोंदिया आचार संहिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करने व देशी शराब दुकान में थोक बिक्री किए जाने पर जिले की 3 चिलर देशी शराब दुकानों को निलंबित किया गया है तथा जब तक आचार संहिता रहेंगी तब तक शराब दुकानें बंद रखी जाएंगी। उल्लेखनीय है कि राज्य विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होते ही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा जिले के सभी शराब दुकानों पर कड़ी नजर बनी हुई है। जहां दूसरी ओर से खबर आ रही है गोंदिया से विधानसभा चुनाव के चलते शहर की सफाई व्यवस्था लड़खड़ाई है। गोंदिया विधानसभा चुनाव की भागदौड़ से नगर परिषद पदाधिकारी जिला अधिकारी व कर्मचारियों का शहर की सफाई की ओर से दुर्लक्ष हो रहा है जिसे शहर के हर एक प्रभाग में जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। वही कचरे के ढेर से बदबू फैल रही है। शहरवासियों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है जहां नागरिकों ने नगर परिषद अधिकारियों से घन कचरा उठाकर शहर को स्वच्छ करने की मांग की है। जहां 1.5 लाख की जनसंख्या पार करने वाले इस शहर में कुल 42 प्रभाग है। जहां दूसरी ओर से खबर आ रही है देवरी से शहर के गड्ढे बन रहे हैं मुसीबत। नगर परिषद द्वारा शहर में विभिन्न विकास कार्य गति पर है फिर भी नगर परिषद क्रीडा संकुल के सामने का गड्ढा नगर प्रशासन को दिखाई नहीं दे रहा है। विगत 2 माह से उस गड्ढे की वजह से राहगीरों को यातायात में परेशानी हो रही है लेकिन नगर परिषद द्वारा इस ओर दुर्लक्ष किया जा रहा है। जहां शहरवासियों ने उक्त गड्ढों को शीघ्र भरने की मांग की है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।